अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राजपूत डेली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए दूध वाली सेवइयों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए हमें 125 ग्राम सेवइयाँ चाहिए, जिनको छोटा छोटा इस तरह से तोड़ लिया है। 3 कप दूध चाहिए हमें। इसके अलावा 5 से 6 चम्मच चीनी है और इलायची दाने हैं ये, और इसके अलावा बादाम। ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये दूध है 3 कप, ये हम शामिल करेंगे 1, ये 2 और ये 3। ये 3 कप दूध में हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल किया है, इसके अलावा इलायची दाने, ये इलायची दाने शामिल कर दिए हमने। इसके अलावा एक और ख़ास चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या शामिल करना है। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूंगी ये बिल्कुल 1 चुटकी नमक। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खीर हो या सेवइयाँ हो हमारी देसी स्टाइल की, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब इस दूध को बॉईल करेंगे हम, उसके बाद सेवइयाँ शामिल करेंगे। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद है ये, तो आप लोग ज़रूर बनाते भी होंगे। फिर भी अगर जो बच्चे देख रहे हैं या जो नहीं बना सकते, उनके लिए बना रही हूँ मैं, ज़रूर इसको ना ट्राई कीजिएगा। ये दूध हमारा बॉयल हो गया है, इलायची की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम सेवइयाँ शामिल कर रहे हैं, इसको तेज़ तेज़ हिलाना है। बस अब 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। ये है कि ज़्यादा गाढ़ा इनको नहीं करना, क्योंकि ठंडी हो के ये ज़्यादा फिर गाढ़ी हो जाती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती। बस ज़रा सी ये 2 से 3 मिनट में गल जाती हैं, और थोड़ी हल्की कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप लोग प्लीज़ मेरी जो रेसिपीज़ देखते हैं, जो आप तक पहुँचे, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरा चैनल, मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों के लिए नई नई डेली कुकिंग्स की रेसिपी जो है वो लाती रहूं। ये देखिए, बस थोड़ी देर लगेगी इसको। ये देखें, ये हमारी सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी मैं इनको, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर जब ठंडी हों तो वो बहुत सख्त हो जाती हैं। थोड़े से बादाम इसमें शामिल कर लेती हैं, कुछ डेकोरेशन के लिए रख लेते हैं। चूल्हा बंद कर देती हूँ अब आपसे मैं डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। जी, ये डिश आउट कर दिया हमने, ये बिल्कुल तैयार है हमारी सेवइयाँ। ये मैं आपको ज़रा चेक करवाती हूँ कि ये किस तरह की लग रही हैं। ये देखें, ये बिल्कुल नरम है। अगर आप इससे ज़्यादा गाढ़ी कर देते तो वो अच्छी ठंडी हो गई है और बिल्कुल इस पोजीशन में अभी। अगर आप इसको ज़्यादा कर देते सख्त, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी है, आपने बनाई है तो। इसके अलावा कमेंट में अगर आप कोई भी देसी डिश जो है जो वो आप बनाना चाहते हैं, आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं वो बनाऊं, तो वो मैं आपके लिए बनाऊंगी। मेरी सारी ज़िंदगी इसी में गुजरी है, हर किस्म की डिशेस देसी जो हैं वो मैं बना लेती हूँ। बेकिंग वगैरह का इतना मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि ऐसी डिशेस और ये जो हैं, मतलब समोसे, पकौड़े, इस तरह के बर्गर और सैंडविचेस वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी बना लेती हूँ। तो आप ज़रूर फरमाइश कीजिएगा, मैं और ऐसे रेसिपीज़ भी मैं वैसे भी डालूँगी। और आपको अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।